एवरी वन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली सो ट्रेडर्स मार्केट ने आज एक बहुत तगड़ा ट्रेंडे दिया है ऑलमोस्ट साढ़े चार सौ पाँच सौ पॉइंट मार्केट गिरी है अपने ओपन से तो ये हर रोज नहीं होता और इतना बड़ा आप कैप्चर हर रोज एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो मार्केट से ओके okay? तो अगर आज आपने पचास पॉइंट साठ पॉइंट सौ पॉइंट जो निकाला इक्स ओके तो okay. फोमो में मत आइएगा कि आप नहीं निकाल पाए दिस इज दैट सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिस इज फाइन मैंने आज कोई ट्रेडिंग नहीं की मैंने आप लोगों को बताया था वन ऑफ माई फ्रेंड इज इल सो आज मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था उसको देखने के लिए तो उस वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया था आज ओके तो आ, अब देखिए अब समझते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है अपना प्लान क्या रहेगा देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार कल के प्लान का एक रिकैप दे देता हूं यहां पर आप लोगों को बताया गया था कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये क्या है दिस इज सेल जोन राइट यहां पर प्राइस आती है सेल किया जाएगा क्लियर है इतना यहां पर प्राइस ने क्या किया यहां टिकी तक नहीं है इस जोन को चेक करके फटाफट नीचे आइए तो इस जोन पे पहली कैंडल पे फटाक से सेल था वाई बिकॉज इट वॉज प्रीवियस डे हाई को रिजेक्ट करके आई है वो और जब भी इस टाइप से होता है अप के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सॉरी यहां पर आप देख सकते हैं इधर प्रीवियस डे हाई को चेक करके आई है मार्केट ने तगड़ा मूव दिया और प्राइस प्रेशर में है यहां पर भी प्राइस ऊपर गई फुल की पूरी की पूरी नीचे आ गई उसके बाद साइडवेज हो गई यहां पर क्या कर रही है उसी जोन से एक अपॉर्चुनिटी दे दी प्राइस ने हमें ट्रेड करने के लिए प्राइस नीचे आई एम पैटर्न बना रही है इसके पास भी यहां पर एक जोन था बट वही वाली बात है कि इधर सपोर्ट था तो थोड़ा इंसान में एक डर रहता है कि यहां से रिवर्सल ना हो और मार्केट इतनी गिर गई है ऑलमोस्ट आप लेके चलिए कि यहाँ पर 440 से लेके ऑलमोस्ट 280 पॉइंट गिर रही है तो उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और सेल आएगा वो क्लियर है इसी वजह से मैं कहता हूँ कि फर्स्ट कैंडल पे ही सेल था इधर से थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाता ओके क्योंकि स्टॉप लॉसेस आपको थोड़े बड़े मिलते हैं यहाँ पर राइट right? तो ना अब प्राइस ने क्या किया है प्राइस ने बाईस को भी तोड़ दिया है ठीक है उसके नीचे गई है और ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं जाकर बंद हुई है इतना तो क्लियर है ठीक है अब प्लान क्या रहेगा उसको समझते हैं देखो सबसे पहली चीज ये जो अपना एरिया था मैं आपको बता देता हूँ मैंने एक जोन मार्क किया था यहां पर ये आप देख रहे हैं ये वाला जोन ये मैंने मार्क किया था ये ये एक मार्च का लो था जिस दिन मार्केट ने ट्रेंड मारा था तो जब भी ट्रेंडेज होते हैं ना उसके लो और हाई बहुत काम आते हैं तो प्राइस ने क्या किया प्राइस ने इसके लोगों ने चेक किया यहीं पर आपको व्हाट्सएप पे बताया भी गया व्हाट्सएप कह रहा हूँ थोड़ी टेलीग्राम पे आप लोगों को बताया भी गया था कि आ, क्या प्लान है यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर आपको इधर बताया भी गया था या आप इधर देखिए इधर आपको ट्रेड बताया गया था कि अगर प्राइस एट रुकती है और बाईस और बाईस पे रुक जाती है सपोर्ट लेती है तो हम लोग यहाँ पर एक बाय प्लान कर सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है तो ये एक प्लान रहेगा और ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये आपका कुछ 240 के पास कहीं आता है तो आराम से प्राइस में जो है आ, सौ डेढ़ सौ पॉइंट की एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है बट ऐसा नहीं हुआ प्राइस ने क्या किया अगले तीन चार मिनट में ही इस ग्रीन कैंडल को तोड़ दिया और प्राइस नीचे आ गई तो उसका मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं है इवन आफ्टर प्राइस फॉलिंग सो मच शॉर्ट कवरिंग का कोई चांस नहीं है इसका मतलब बहुत स्ट्रेंथ है यहाँ पर जो भी सेल करके जा रहा था और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है अगर आप डेली चार्ट देखेंगे डेली चार्ट में अब देखो अब कुछ चीज बदली है क्या बदला है समझते हैं बड़ी कैंडल जब आती थी उसके बाद ग्रीन कैंडल आ जाती थी यहां पर क्या हुआ है बड़ी कैंडल आई ये बार ने क्या किया रुका अब जब भी इस ये बार एक क्या है ये दिस इज अ डोजी इसका मतलब क्या है हॉल्ट है रुकी हुई है डायरेक्शन मांग रही है क्या है तो जिस भी एज पे प्राइस क्लोज होती है चांसेस होते हैं कि उस एज की तरफ ही प्राइस मूव करती है नॉर्मल सी बात है तो ये तो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ाई है सब कुछ तो यहां पर क्या हुआ है प्राइस ने इस जोन को तोड़ा और आप देख सकते हैं जितना यहां पर है उससे ज़्यादा बड़ी कैंडल यहां बना दी है तो उसका मतलब क्या है इंपैक्ट दे दिया बहुत तगड़े वाला और प्राइस ने जो लास्ट गुड ग्रीन कैंडल थी उसके लो के नीचे क्लोज दिया है इतना भी क्लियर हो गया और आप एक चीज़ समझो प्राइस यहां से ऊपर जा रही है और मैंने आप लोगों को वीकली बार का कॉन्सेप्ट भी बताया था संडे को मैंने शायद जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यार यहां पर ना ये जो पंगे हैं ना ये इसका मतलब क्या है कि प्राइस अर्ली गिरती है और वीक एंड तक रिकवर कर जाती मान लो अगर ये भी हो गया मान लो रिकवर कर गई वीक एंड तक इसने एक अच्छी खासी रिकवरी दे दी और प्राइस ने ऐसी डोजी बना दी तो ये जो है ना ये बेसिकली एक फोमो क्रिएट करेगा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं घुसना चाहते हैं बट जैसी देखिए जब रेड बार आते हैं तब कोई नहीं घुसता है जब हरे बार आते हैं तब सब घुसते हैं अभी जैसे ही बिटकॉइन साठ हज़ार सत्तर हजार गया पूरी दुनिया को क्रिप्टो के बारे में याद आ गया जब वो गिर रहा था तब किसी ने बात नहीं की थी उसके बारे में तब सब शांत हो गए थे वजीर एक्स और ये सब के सब कुछ पता नहीं चल रहा था अब एकदम से अ, मेरे पास पॉइंट डी और इन सब की एड्स वैड्स और ई मेल सब आना चालू हो गए हैं तो आप समझ रहे हैं बात कि जब मार्केट भागती है तब ही लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो ये एक चीज है तो अब यहां ट्रैप बने हैं क्या हुआ है आई डोंट नॉट नो बट एक बहुत बड़ा चेंज आया है यहां पर और अगर इसके नीचे कंटिन्यूशन होती है तो फिर जो मैंने आपको चीज़ बोली थी कि इलेक्शन से पहले एक करेक्शन रैली ज़रूर आती है उसके बाद फिर प्राइस ऊपर भागती है ओके और अभी ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कुछ अभी इशू है तो मे बी ये वो करेक्शन का बहाना है प्राइस के पास कि वो करेक्ट होए और उसके बाद फिर एक बेटर प्राइस से ऊपर भागे यू नेवर नो होता है मार्केट्स में सब तो देखिए आप समझते हैं प्लान प्लान क्या रहने वाला है तो आपको प्राइस समझ में आ गई कि प्राइस ने ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे प्राइस ने अपने टाइम हाई से 22520 से ऑलमोस्ट आप लेके चलिए इक्कीस नौ सौ बीस मतलब मोटा मोटी साढ़े पाँच सौ सौ पॉइंट के करीब मार्केट ने करेक्शन दे दिया यहां पर इतना तो क्लियर है यहां से आप देख सकते हैं अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं प्राइस गिरती कैसे है ऐसे या फिर ऐसे समझ गए आप अब एज इंटर मुझे क्या चाहिए मेरे पास दो प्लान होते हैं या तो मैं डायरेक्शन में तो प्ले करना ही हूँ ऑब्वियसली बात है वो तो बट अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ तो मेरा एस बड़ा हो जाएगा हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब प्राइस नीचे गिर रही होती है यहाँ पर आपको एस छोटे मिलेंगे यहां पर आपको एस बड़े मिलेंगे क्यों क्योंकि यहां प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं इंटरेस्ट आ गया है तो प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं जहां पर ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वहां प्रीमियम एक्सपैंड होगा जहां पर इंटरेस्ट कम होगा वहां प्रीमियम्स फ्लैट रहेंगे ओके जैसे कि फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं वहां प्रीमियम फ्लैट रहते हैं बिकॉज वहां पर ऑन एन एवरेज लोग सेल कर रहे होते हैं बाय बहुत कम लोग कर रहे होते हैं ओके okay? तो अब समझे इस चीज़ को आप अब यहां पर क्या गेम प्लान है अपना देखो सबसे पहले हमें काम कर लेते हैं हम लोग ना ये ट्रेंड डे है ये सुपर ट्रेंड डे है तो सुपर ट्रेंड डे पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग इसका फिफ्टी परसेंट मार्क कर लेते हैं तो फिफ्टी परसेंट देखिए फिफ्टी परसेंट कहाँ पर आता है देखिए हमारा फिफ्टी परसेंट आता है ट्वेंटी टू वन सेवेंटी सिक्स पे

तो आई एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट बुकिंग यार अगर इसके बाद भी बाईस चार सौ के बाद भी यहाँ तक अगर कोई बंदा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या बोलूँ उस चीज़ पर तो आई एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट बुकिंग तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है प्राइस का नेचर है वो तो अगर प्राइस के नेचर की विपरीत कोई काम हो रहा है तब एक अलग बात है तब वो मेरे भी आ, जो भी प्राइस एक्शन के नॉलेज उसके खिलाफ है सारी चीज़ें तो मैं भारी बैठा रहूँगा ज़्यादा बैठर है उस चीज़ में ओके तो यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट फॉर्म होता है कुछ होता है तो यहाँ एक बाय प्लान किया जाएगा क्यों प्राइस ने यहाँ पर कोशिश की थी इधर ट्रैप कर दिया जो लोग अर्ली फटाफट घुस गए कुछ करा उनको ट्रैप करा साइड कर दिया अब प्राइस यहाँ दोबारा कोशिश करेगी ये लोग एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि डरे हुए भी है और यहाँ पर प्राइस क्या करेगी एकदम से ग्रीन कैंडल्स बनाएगी यहाँ पर एंड क्या करेगी प्राइस यहाँ तक आ जाएगी ये लोग फिर घुसेंगे और इधर से प्राइस फिर नीचे की तरफ आएगी ये ध्यान रखिएगा प्राइस क्या करेगी यहाँ से नीचे जाएगी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा प्राइस यहाँ तक जाए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मेरी मैं ना ही इसमें हाथ पैर मारूंगा मेरी एक्सपेक्टेशन बड़ी सिंपल है यहाँ से अगर प्राइस गिरती है रिकवरी लेती है तो मुझे यहाँ तक मिल जाए या यहाँ तक मिल जाए मैंने हार्डली पचास साठ पौंड निकालना है मुझे कंसिस्टेंट रहना है ओके okay? मैं कोई डेढ़ सौ दो सौ ढाई सौ पौंड नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर मिल गए ट्रेल करते हुए दैट्स अ डिफरेंट थिंग अगर मैं आज के ट्रेड में होता फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर तो अगर मुझे मिल रहे हैं इधर तक ट्रेड मैं लूँगा कोई पंगा नहीं है क्योंकि मेरा आज सच कोई एस एल हिट नहीं होगा यहाँ पर बट इस कैंडल के पास मैं नहीं टिक के बैठ सकता यहाँ पर मेरा कब का एसल हिट हो चुका होता है रियालिटी ये है ओके तो नाउ अब यहाँ पर डब्ल्यू बनेगा या फिर सपोर्ट बनेगा कुछ भी बनेगा सपोर्ट कैंडल पे हम बाय उठाएंगे और अपना टारगेट क्या होगा ये एरिया फर्स्ट मार्च का जो ये लो है, 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 तो. है प्राइसलेट से एकदम से यहां तक जाती है और यहां से रिजेक्ट करती है तो अपन यहां क्या करेंगे, करेंगे. बाय प्लान नहीं होगा यहां पर ध्यान रखिएगा बाय प्लान नहीं होगा बाय तभी प्लान होगा जब प्राइस एक मूव दे प्राइस रुके क्योंकि देखो यहाँ प्रेशर सेलर्स का है यहाँ पर हम बाय नहीं प्लान कर सकते हैं इन ये एक्सपेक्ट करते कि, कि भाई यहाँ से ना एकदम से मार्केट ऊपर चली जाएगी मार्केट दो ही तरीके से ऊपर जाती है ट्रैप करके कैसे ट्रैप करके अगर प्राइस मान लो खुली और एकदम से प्रीवियस डे लो के नीचे ड्रॉप करती है और यहाँ पर एक बड़ी रेड सॉरी ग्रीन कैंडल आ जाती है तो इसका मतलब क्या है प्राइस इसको चेक करेगी यहाँ चेक करेगी 50 परसेंट चेक करेगी और अगर ये सब आराम से निकाल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं प्राइस इसको भी चेक कर ले ओके तब एक डिफरेंट केस है तो आपने ध्यान रखना है किस चीज़ का प्रीवियस डे लो का अगर इसके नीचे प्राइस जा रही है और फटाफट रिकवर कर रही है इसका मतलब क्या है ट्रैप सेट हो गया है अब प्राइस ऊपर भागेगी कम से कम सौ डेढ़ पॉइंट का प्राइस आपको मूव देगी उसके बाद ट्रैप बनाए कुछ भी करें वी नो नॉट नो एज ऑप्शन बायर्स आपका का काम क्या होगा आप एग्जिट लो अपना ओके आपने पूरा ट्रेंड प्ले करने की जरूरत नहीं उसका टाइम आएगा तो ये हो गया आपका एक प्लान अब अगर कोई अप हो गया कुछ हो गया लेट्स इस जोन तक या फिफ्टी परसेंट तक जैसे आज हुआ था इस टाइप का को कोई अप हुआ और प्राइस ऐसे रिजेक्ट करती है रेड कैंडल के साथ तो मैं यहाँ पर एग्रेसिव सेल प्लान करूँगा ओके okay? और ऑलमोस्ट uh, टारगेट अपना इस जोन को रखूंगा और मैं एक एस के लिए तैयार रहूँगा कि प्राइस मेरा एस शायद काट दे तो इस वजह से मेरी जो क्वान्टिटी होगी वो बटा दो होगी मतलब हाफ होगी क्लियर है इतना तो ये मेरा प्लान रहने वाला है एक बार रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से सुन लो अगर प्राइस नीचे जाती है तो यहाँ पर मैं बाय प्लान करूंगा प्राइस अगर यहाँ ऊपर जाती है गैप अप करती है कुछ करती है तो मैं सेल प्लान करूंगा और अगर लेट्स से प्राइस यहाँ पर कहीं रहती है और फिर ब्रेक करती है तो भी मैं सेल प्लान करूँगा बट क्वांटिटी क्या रहेगी मेरी थोड़ी सी कम रहेगी बटा दो या फिर थर्टी परसेंट जो भी है इस टाइप से मैं अपनी क्वान्टिटी उठाऊंगा तो ये आप ध्यान रखिएगा प्लान यहाँ पर सेल का ही रहेगा इस जोन पर सारा सेल का प्लान ही रहेगा क्योंकि प्रेशर डाउनवर्ड है एक ही तरीके से हम लोग अपनी ढंग से बाइंग कर पाएंगे जब प्राइस एकदम से नीचे जाएगी रुकेगी और ऊपर निकलेगी और प्राइस अगर ऐसे गई घूमी तो भी सेल ही करेंगे हम ये ध्यान रखिएगा तो सारा सेल है ऊपर ओके सुनाओ अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे कंपेयर्ड थोड़ा कम है अब उससे कंपेयर्ड निफ्टी से कंपेयर्ड टूटा सब है वो मैं मना नहीं कर रहा हूं बट उससे कंपेयर्ड कम है तो अब आप देखिए मैंने कल आपको क्या बताया था मैंने आपके सामने कल एक ये लगाया था मैं बता देता हूँ एक बार आपको यार मैंने आप लोगों को ये, ये लगा के दिखाया था कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कहाँ पर है वो है इस जोन के पास क्लियर है था? अब अपने को इस जोन पे किस तरीके से टारगेट करना होगा क्या करना होगा अगर प्राइस इस जोन के पास से रिजेक्ट करती है कुछ करती है तो हम लोग इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं इसके नीचे प्राइस रहती है तो हम इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं ओके okay. और अगर प्राइस डायरेक्टली कुछ गिरती करती है तब हम लोग बाय प्लान कर सकते बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हमने कुछ किया भी नहीं इसके अंदर अब ये जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं कैसे बनाए गए हैं ये मैंने इसमें यूज़ किया है वॉल्यूम प्रोफाइल को मैंने एक क्लास बना रखी है द कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स के अंदर जो जिसकी प्ले लिस्ट यूट्यूब पर अपलोडेड है आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं ठीक है तो ना अब आप यहाँ पर देखिए प्राइस ने ये जो एंड पे इस वाले दिन पे ट्रेड लिया था आप देखेंगे इसी के अंदर प्राइस सीमित रही थी इस वाले दिन भी भले ऊपर नीचे गई बट इसके अंदर ही आई और इसके पास ही बंद हुई है ध्यान रखिएगा कल भी आज भी क्या हुआ है प्राइस यहीं पर खुली है इस जोन के ऊपर जाने की कोशिश की रिजेक्ट लिया फिर प्राइस नीचे आ गई एंड इस जोन पे भी आपकी एंट्री बनती है और इधर भी आपकी एंट्री बनती है इधर कहीं पर एंट्री नहीं बनती क्यों क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस को हमेशा एक बार टेस्ट होने दो रीचेक होने दो क्योंकि यहां पर जनरली ट्रैप्स बनते हैं निफ्टी बहुत क्लियर थी मैंने बता दिया था आपको निफ्टी बहुत क्लियर है बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लेने हैं, जो आपको बताए गए थे तो यही आपने करना होता है तो एजेस बन गए हैं अब क्या एजेस बन रहे हैं समझते हैं प्राइस ने अभी भी इस विक को ब्रेक नहीं किया है और यहां पर अगर अब मैं एक काम करता हूं ये जो एरिया है इसको अपन बिल्कुल पूरा यहाँ तक ले लेते हैं अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है अपने को रेजिस्टेंस जोन मिल गए ये रहा रेजिस्टेंस जोन और ऑलमोस्ट ये रहा एक रेजिस्टेंस जोन तो अब आप देखो यहाँ पर क्या होने वाला है प्राइस अगर यहाँ पर आती है और सेल करती है तो यहाँ पर हम सेल प्लान करेंगे प्राइस में गैप अप होता है कुछ होता है यहाँ तक जाती है तो अपन सेल प्लान करेंगे क्लियर है इतना और अगर प्राइस यहाँ से एकदम से टूटती है तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा निफ्टी में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है बिकॉज वो बहुत ज्यादा टूट चुकी है बैंक निफ्टी हार्डली आधा परसेंट के करीब टूटी आधा पॉइंट सिक्स परसेंट के करीब टूटी है तो अगर इसमें नीचे ब्रेक आता है और प्राइस रुक के थोड़ा दोबारा निकलती है तो यहां पर सेल प्लान किया जा सकता है ओके मे बी निफ्टी ने आज बहुत ज्यादा ब्रेक दिया है तो कल वो मे बी ऐसे साइडवेज हो जाए और बैंक निफ्टी ज्यादा कर जाए क्यों वो क्या क्या पराली वाली गेम हो जाएगी ओके okay. तो ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को तो एरियाज मैंने आपके सामने मार्क किए हुए हैं जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हैं ये एरिया का रेजिस्टेंस का काम करेंगे तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 47 150 47 100 ये एरियाज होंगे हमारे सेल के ओके और ऊपर ये वाला एरिया भी हमारा सेल का होगा अगर प्राइस यहां पर आती है रिजेक्ट होती है एम पैटर्न बनाती है तो हम सेल करेंगे या फिर प्राइस एक बड़ा गैप अप करती है और फिर यहां पर ऐसे एक रेड कैंडल बना देती है तो भी हम लोग सेल प्लान करेंगे बट एक बार ये चीज हो गई है निफ्टी में आज सुबह-सुबह हो गया तो हर रोज नहीं होगा तो इसलिए अपनी जो क्वांटिटी करोगे बटा दो करना मतलब दो स्टॉप लॉसेस लेने को तैयार रहना सारी क्वांटिटी एक बारी में मत डालना रीजन बींग अगर आउट हो गए मॉर्निंग में डायरेक्शन भी ठीक हुआ उसके बाद भी आउट हो जाओगे गेम से तो कोई फायदा नहीं है डिमोटिवेटेड रहोगे अपना प्लान फॉलो करना बंद कर दोगे तो इस वजह से ये कंटीजेंसी प्लान हमेशा अपने प्लान में डाल के रखा करो कि अगर एक परसेंट आप गलत भी प्रूव हुए तो आप क्या करोगे आप री एंट्री या जो भी है वेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए ओके तो ये है हमारा प्लान आई होप आपको पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल को अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड कल का एनालिसिस कैसा लगा था आपको वो सब भी बताइएगा आपने फॉलो किया आपने आज पैसे बनाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए उस चीज़ के बारे में एंड आई विल द नेक्स्ट वन थैंक यू फॉर वॉचिंग